वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं आपको लेके जाऊंगी बिग बाजार स्टोर, जहां से मैंने जो है ये कुर्ती खरीदी है, जिसका हॉल वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए पहले हम चल लेते हैं बिग बाजार, वहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या और ऑप्शंस हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने कौन कौन सी कुर्तीज़ खरीदी हैं एंड बिग बाज़ार के बारे में जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी जितनी मुझे पता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वसंत कुंज वाले बिग बाज़ार जाने के लिए हमने पहले लिया है मेट्रो, मेट्रो से हम जाएंगे बदरपुर बॉर्डर, क्योंकि बदरपुर बॉर्डर से आपको 717 बस मिलती है जो कि डायरेक्टली आपको वसंत कुंज वाले बिग बाज़ार पे छोड़ती है। मेट्रो लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है हमें पैदल चलना पड़ेगा, इसलिए जो है हम बस से जाएंगे। तो पहले जो है हमने मेट्रो ली है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप बस से जाइए, और मेट्रो से जाना चाहते हैं तो मेट्रो से भी जा सकते हैं। तो मॉल के अंदर घुसते ही आपको सामने जो है बिग बाज़ार ही दिखेगा। ग्राउंड फ्लोर पे इनका फैशन का सेक्शन है, जहाँ पर आपको मेंस वुमेंस दोनों के क्लोथ्स मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे वेस्टर्न वेयर और इंडियन वेयर दोनों कंबाइन थे, तो आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी चाहिए इसी ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाएगा। स्टॉक इतने ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि बिग बाज़ार के एम्प्लॉयज़ को भी नहीं पता है कि बिग बाज़ार ये खुला रहेगा या बंद रहेगा, इसलिए स्टॉक लिमिटेड थे। बहुत सारे ऑप्शन तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है आपको साइज़ ढूंढने में इशू हो, क्योंकि मेरी बात हुई थी इनसे, इन्होंने कहा कि स्टॉक्स जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, बंद है, जितने स्टॉक हैं वही स्टॉक है। ऑप्शन जो है बिग बाज़ार में कुर्तियों का बहुत सारा था, लेकिन मुझे जो है हाफ थर्ड स्लीव्स चाहिए थी, एंड कट स्लीव्स में उनके पास ज़्यादा स्टॉक्स थे, एंड जो मुझे हाफ थर्ड स्लीव्स में पसंद आ रहे थे उसमें जो है मुझे साइज़ नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्च करना पड़ा यहाँ पे कुर्तियाँ। एंड यहाँ पर आपको स्कर्ट्स, प्लाजो जो है, पैंट्स मिल जाएंगे, आपको जेगिंग स्टाइल्स लेगिंग्स मिल जाएंगी, वेस्टर्न वेयर में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बिग बाज़ार में एक और चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, वो होती है यहाँ की लेगिंग्स। हमेशा यहाँ के लेगिंग्स में ऑफ़र चलता रहता है, इट मींस कि आपको 799 और 899 में 3 का ऑप्शन मिलता है, एंड बहुत अच्छी होती है, इनका कपड़ा बहुत अच्छा होता है, एंड बहुत लंबे टाइम तक ये चलता है। इसी सेक्शन में मुझे कुछ टॉप और कुछ एथनिक टॉप के भी ऑप्शन दिखे। I've been dreaming on in my head like I've seen it, a life worth living is a life with me। कुर्ती का सेक्शन चेकआउट करने के बाद जो है मैंने फुटवेयर का सेक्शन भी चेकआउट किया, एंड फ्लोर पे जो आपको फुटवेयर्स दिख रहे हैं बस वही फुटवेयर जो है मुझे ढंग के लगे, और तो सारा इनके पास पुराना स्टॉक था, इतना अच्छा कोई भी नहीं लग रहा था। बस ये जो आपको फ्लोर पे दिख रहे हैं यही मुझे थोड़े ठीक ठाक लगे, एंड इनका रेंज जो था वो 799-899 इस तरीके की रेंज था। पहली जो कुर्ती मैंने परचेज़ की है वो ये रेड कलर की ब्यूटीफुल सी कुर्ती है, जो कि आपको कॉलर वाले नेक में मिल जाएगा, हाफ थर्ड इसकी स्लीव्स है, एंड बहुत अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल होता है ये वाली स्लीव्स। इस तरीके के कुछ बटन्स लगे हुए हैं, एंड गोल्डन और ब्लैक कलर से इसके ऊपर प्रिंटिंग की गई है, एंड नेक की डिटेलिंग बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। फुल लुक आपको दिख रहा होगा पहनने के बाद ये कैसा देता है। ब्रांड है इसका अवासा, स्मॉल साइज़ लिया है मैंने इसमें, को मैंने पेयर अप किया है ब्लैक कलर की लेगिंग स्टाइल जेगिंग के साथ, जो कि मैंने अगेन परचेज़ किया है बिग बाज़ार से, स्मॉल साइज़ है, एंड ये वाली लेगिंग जो है ना सच में बहुत अच्छी होती है, एंड सिर्फ बिग बाज़ार में मिलती है। रिलायंस मार्ट का मुझे पता नहीं, क्योंकि वहाँ मैंने अभी तक इस तरीके का जो जेगिंग स्टाइल लेगिंग है वो नहीं देखा है। तो बिग बाज़ार से आप जो है ये वाला
लेगिंग खरीद सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल है, काफ़ी मोटा है इसका कपड़ा एंड बहुत अच्छा लगता है पहनने में। ब्लैक कलर के साथ साथ मैंने ये वाइट कलर की लेगिंग स्टाइल जैगिंग ली है एंड आप इसका बैंड देख सकते हैं कितना मोटा है। सेम इसका ब्लैक जो मैंने पहना हुआ है उसका भी जो बैंड है वो इतना ही मोटा है, सेम डिट्टो है। ये जो कपड़ा है ये हॉजरी और कॉटन दोनों मिक्स कपड़ा है एंड ये जैगिंग स्टाइल लेगिंग जो है बहुत कमाल की है, बहुत कंफर्टेबल है एंड मज़ा आ जाता है इसको पहन के। तो मैंने जो है ब्लैक और वाइट दोनों ले लिए हैं क्योंकि ये कंफर्टेबल रहते हैं, कॉमन कलर है तो आप हर कुर्ती के साथ जो है इसको पेयर कर सकते हैं। थर्ड जो कुर्ती मैंने खरीदी है सेम रेड कलर की तरह खरीदी है, बस इसका कलर जो है लाइम है। नेक आप देख रहे होंगे कितनी सुंदर डिटेलिंग है एंड इसमें भी सेम वुडन बटन है जैसा रेड कलर की कुर्ती में है एंड ग्रीन कलर की कुर्ती में भी सेम जो है वुडन बटन से वर्क किया गया है। फ्रंट साइड में 3 स्लीट्स हैं, इसमें भी आपको फ्रंट के साइड में भी मिल जाएगी एंड साइड में तो एज यूजुअल होती ही हैं। प्लस पॉइंट ये है कि दोनों ही कुर्तियों में पॉकेट है और पॉकेट वाली कुर्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पॉकेट वाली कुर्तियाँ आपको कैसी लगती हैं, पहनने के बाद ये कैसा लुक दे रहा था ये तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो गाइज अगर आपको मेरी तरह बिग बाज़ार की कुर्तीज पहनना पसंद है तो एक सैड न्यूज़ आपके लिए भी है क्योंकि बिग बाज़ार जो है वो बंद हो चुका है। मेरे घर के सबसे पास में जो है फरीदाबाद वाला बिग बाज़ार था एंड बंद हो चुका है वो, क्योंकि बिग बाज़ार को जो है रिलायंस ने ख़रीद लिया है। तो समर स्टार्ट होते ही मैंने बहुत सारी कुर्तियाँ ख़रीद ली थी क्योंकि उस समय बिग बाज़ार के फैशन में कुछ ऑफ़र चल रहे थे कि आप जो है इतने का परचेज़ करेंगे तो इतने का कूपन आपको मिलेगा। तो उस टाइम में जो है मैंने परचेज़ किया था तो मेरे पास कुछ कूपन पड़े थे, बट यहाँ का जो बिग बाज़ार है वो बंद हो चुका था। इस वजह से मुझे जो है वसंत कुंज के बिग बाज़ार में जाना पड़ा क्योंकि दिल्ली में अब सिर्फ 4 स्टोर ही बिग बाज़ार के ओपन हैं। अगर आपने भी ऐसा कुछ फैशन से ख़रीदा है एंड उसके कूपन्स आपके पास पड़े हैं तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी कि कौन कौन से बिग बाज़ार हैं जहाँ पे जाके जो है आप अपना वो कूपन अप्लाई कर सकते हैं। एंड बिग बाज़ार में जाने के बाद वसंत कुंज मेरे साथ क्या हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले जो कुर्ती हॉल मैंने किया था आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं एंड वो वाला कुर्ती हॉल देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी कुर्तियाँ परचेज करी थी। सारी कुर्तियाँ बहुत अच्छी थी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा के जो है मैंने ये सारी कुर्तियाँ जो है सेलेक्ट की क्योंकि स्टॉक भी नहीं था इनके पास और साइज़ भी नहीं मिल पा रहे थे, तो मुझे जो मिला मैंने वो ले लिया। फाइनली एटलीस्ट साइज़ तो मिल रहा था एंड इतना सारा टाइम स्पेंड करने के बाद ये सारी चीज़ें लेने के बाद जब मैं बिलिंग कराने गई बिलिंग काउंटर पर तो उन्होंने बोला कि जो है फ्यूचर पे वॉलेट जो उनका ऐप है वो नहीं चल रहा है। मतलब मैं एक तो इतनी दूर से गई, फरीदाबाद से वसंत कुंज बहुत दूर है, 2-3 घंटे लग जाते हैं जाने में एंड उसके बाद उन्होंने कह दिया कि हमारा सर्वर काम नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, उस दिन काम नहीं कर रहा था, मैंने जो भी शॉपिंग किया था मैंने वो चीज़ वहाँ पर रखवा दी एंड मैंने बोला कि मैं मुझे टाइम लगते ही जो है मैं आके अपनी सारी चीज़ों का बिलिंग करा के उसको लेके जाऊंगी। तो फिर मैं नेक्स्ट डे गई बिग बाज़ार एंड मैंने फिर से बिलिंग काउंटर पे बिलिंग के लिए बोला तो उन्होंने मुझे फिर से बोला कि जो है सर्वर नहीं चल रहा है। बहुत बहस करने के बाद उन्होंने जो है मेरी बिलिंग की एंड सेम फ्यूचर पे से कर दी। मतलब फ्यूचर पे चल भी रहा था और उन्होंने झूठ बोला। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप बिल्कुल वहाँ पे जाके बोलिए क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग बिग बाज़ार जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है बिग बाज़ार से शॉपिंग करते हैं एंड बहुत सारे लोग जो है फैशन से भी शॉपिंग करते हैं। तो जैसे मेरे पास कूपन पड़ा था वैसे ही आप लोगों के पास भी कूपन पड़ा होगा। तो अगर आपके पास ऐसे ही कूपन पड़े हुए हैं तो आप जो 4 स्टोर्स खुले हैं वहाँ पे जाके आप वो कूपन यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आपको कहते हैं कि सर्वर नहीं चल रहा या फिर बिलिंग नहीं हो पा रही फ्यूचर पे वॉलेट से या प्रॉफिट क्लब जो भी है उनका, तो आप उनसे बहस करिए और कहिए कि वो आपको बिल करके दे, तभी वो आपको करके देंगे। अदरवाइज़ वो पहले तो मना ही करेंगे कि वो नहीं कर पाएंगे। तो ये था बिग बाज़ार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली थी, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कुर्ती की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट जो कुर्ती ली है वो मैंने ये ली है, लाइट येलो कलर का लिया है, सेम ब्रांड है अवासा, बहुत प्यारा है, बहुत सॉफ्ट है। हाफ थर्ड जो है इसकी स्लीव्स है एंड स्लीव्स में जो है आपको ऑप्शन भी आप फोल्ड करके पहन सकते हैं या फिर इसको लॉन्ग ही पहन सकते हैं। 3 स्लीट्स अगेन इसके अंदर है, जैसा कि आपने दूसरी कुर्तीज़ में देखा। तो 3 स्लीट्स वाली जो कुर्ती होती है ना वो जीन्स के साथ पहनने में बहुत कंफर्टेबल होती हैं। आप जीन्स के साथ पहनिए या फिर लेगिंग के साथ, जैगिंग के साथ, किसी के साथ भी पहनिए, वो बहुत कंफर्टेबल होती हैं अगर उसमें 3 स्लीट्स हैं। एंड ऑफ वाइट कलर के इसके फ्रंट में बटन से डिटेलिंग की गई है जो कि इसको बहुत प्यारा सा लुक देता है। एंड इस कुर्ती में जो है सिल्वर कलर के थ्रेड से वर्क किया गया है जो कि
लाइट येलो एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है। पहनने के बाद ये कैसा लुक देता है ये तो आपको दिख ही रहा होगा। प्योर कॉटन है, बहुत कंफर्टेबल है, गर्मियों के लिए बहुत सही है। तो अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो लाइट येलो कलर की कुर्ती जो थी वो 999 की थी, एंड ये दोनों कुर्तीज़ जो मैंने ग्रीन एंड रेड कलर की खरीदी हैं वो 899 की है, और लेगिंग स्टाइल जेगिंग्स जो मैंने आपको दिखाई वो 799 की है। तो मेरे पास 3300 रुपीज़ के कूपन थे, तो इन सब कपड़ों में जो है 3300 रुपीज़ कम हुए हैं। अगर आपके पास भी जो है बिग बाज़ार का कूपन पड़ा है तो 4 स्टोर्स अभी भी खुले हैं यार, जाओ वहाँ से शॉपिंग कर लो। मतलब 300-300 रुपये जो आपके हैं बेस थोड़ी ना करने आपको। तो फरीदाबाद वाला जो स्टोर है वो तो रातों रात बंद हो गया था, इससे पहले कि वो 4 स्टोर भी बंद हो जाएं। अगर आपके पास कोई कूपन है तो आप जाके यूज़ कर सकते हैं उसे अभी बिग बाज़ार में, जो 4 बिग बाज़ार अभी खुले हुए हैं। तो यार ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट जब भी मैं इस तरीके की वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट से वहाँ पे जाके भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं लेटेस्ट अपडेट करती रहती हूँ। एंड लास्ट, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।